Hello and welcome to She Decides. Well, the election dates have been announced and India will have a new government by the end of May. But have previous governments delivered? Have politicians delivered on the ground as we go into another election? It's a time to look back and ask if the government is doing its duty, giving people what they need the most. And we have with us some very, very special women. These women are from the villages of Rajasthan. A lot of them are single women and they are the most vulnerable. They are the ones who need government schemes the most because they don't have any kind of family security or even social security. They are also women who have come from all parts of Rajasthan. So let me begin by asking these women here. They've come from a place called Falodi, which is in the western area of Rajasthan. It's a desert terrain. It's not been very developed. So let me begin by asking them. Astu bhai, aap batao ki aap log kya chahte ho? Abhi chunav ki ghoshna ho gayi hai, nayi sarkar banne wali hai. Aap sarkar se kya chahte ho? Kaisa neta chahte ho? नेता साहब तो हम को कोई महसूस ना दो मकोमरी दो गटररी दो और किसान ने को नहीं मजूरी तो वह मजूरी दो मजूरी चाहूँ गरीब लोग मजूरी करे तो मोटा दाब जावे गरीब बंद मिले को अच्छा आपको मजदूरी क्यों चाहिए आपका खेती नहीं होता है क्या गांव में थोड़ा थोड़ा मोरे में एक बात है कि दादा बीघा है तो भाई बन रहा उग गया तो उगे में दो दो बीघों में कहीं खावे दो दो बीघों में कहीं खावे लौटा है जो टूबे लो है तो वो कोई टूबे लो माथे जान कोई करे मजूरी तो दो पहिया हो जाओ नहीं जन घर बैठा है जैसे अस्तु भाई कह रहे थे आप कहाँ से आते हैं आपका नाम बताइए हम नेवरे से आते हैं और विमला नाम है मेरा विमला ये बताओ जैसे अस्तु भाई कह रहे हैं कि मजदूरी की जरूरत है लेकिन सरकार ने नरेगा एक योजना है द गवर्नमेंट हैज अ नरेगा स्कीम ऑन द ग्राउंड क्या नरेगा योजना चल रही है आपको मिलती है क्या मजदूरी हमारे को मजदूरी नहीं मिलती है क्यों और मजदूरी करते हैं तो हम छोरे जी से नहीं जीते हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो कभी 100 मिलते हैं 50 मिलते हैं और उधर खेती बाड़ी है नहीं एक बीघों भी जमी है और हमारे घर के अंदर विकलांग बच्चा है और हम भी मेरे पति नहीं है और ऐसे दुखी है हम तो कि आपको क्या तो आप क्या चाहते हो अपने सरकार से अपने राजनेता से क्या चाहते हो हमारे को मजदूरी चाहते हैं और कुछ ही भले ही चाहते हैं हमारे को कुछ नहीं मिलता उधर आप धौलपुर से आए हैं बाड़ी से आए हैं सो आप बताइए कि धौलपुर में तो ठीक ठाक मजदूरी है मतलब खेती भी है लेकिन जो अकेली महिला है उसको क्या क्या समस्या है और क्या चाहते हो आप अब अकेली महिला को ये समस्या है कि खेती बाड़ी करते हो उसको गाय खा जाती हो और पैसा लगाते मजदूरी करके वैसे तो मजदूरी गरीबी के लिए है नहीं तो मजदूरी करते हैं थोड़ी बहुत तो उसमें लगा देते उसको गाय खा जाती हो अच्छा ये जो गाय की बात है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे टॉकिंग अबाउट स्ट्रे कैटल हियर जो आवारा पशु है ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए हाँ बहुत बड़ी समस्या है गाय खा जाती हो और जो पैदा होती है तो गाय खा जाती है फिर कुछ मिलता नहीं है बच्चे का पेट पालन नहीं होता है नरेगा बड़े लोग ले जाते हैं तो गाय जो है जो आवारा पशु है उसको गौशाला में क्यों नहीं बंद होती है वो गाय गौशाला हमारे नहीं है हमारे धौलपुर जिले में दूर तो वैसे भी छोड़ देते हैं नहीं पालते हैं जब मर जाती है गाय तो हत्या लगती है तो कोई नहीं रखता है अब So this is at a time when the government is spending crores and crores on cows. Really, the BJP government, which was in power in Rajasthan, has spent crores on cows. But actually, what they're saying is that stray cattle is a very, very big issue. समस्या तो है, madam. कभी गरीब महिलाओं को तो मजदूरी भी नहीं मिलती है, और ना ही कभी मकान है, ना ही टॉयलेट की सुविधा है, और ना ही बच्चों की छात्रवृत्ति आती है. लेकिन सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है टॉयलेट बनाने में उसमें आपको लाभ नहीं मिला उससे नहीं मैडम नहीं मिला लाभ तीन साल से तो बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं छात्रवृत्ति भी नहीं आती और कभी मकान भी नहीं मिला है सरकारी कोई लाभ नहीं मिला है मैडम ऐसा क्यों है आप अपने सरपंच से या जो लोकल ग्रामीण अफसर है उनसे आप क्यों नहीं पूछते हो पूछते हैं मैडम कहते हैं पीछे से आएंगे फिर देंगे पता नहीं पीछा कहाँ है ये
ऐसे कहते हैं, पीछे से आएंगे फिर देंगे। बताओ क्यों नहीं मिलता है? मिलता नहीं, सरपंच को बोलते हैं कि अभी तो पैसे नहीं आए हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि पंचायत समिति में जाओ और कागज जमा करो, कागज भी जमा करवाया तो कभी कुछ भी नहीं मिला है, और बाथरूम नहीं मिले, ये मकान भी नहीं मिले, जमीन भी नहीं है। Okay, the other big issue, the other big issue is health. What are health, what is healthcare like in villages? Let me ask these women. जो दूसरा बड़ा समस्या है, जो बात है, वो है स्वास्थ्य की। तो आप बताओ कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं गांव में, वो कैसी है? मेरे पास जमीन नहीं है, मैं पढ़त में बैठी हूँ आज 25 सालों से, दो मेरे लड़का है, एक लड़का मेरा बीमार होता है, और मेरे भी हस्बैंड नहीं है, और उसका इलाज हो सकता है क्या गांव में? उसका गांव इलाज भी नहीं होता, गांधी से होता है, जोधपुर से। और मेरे जमीन नहीं है, और घर पे ही मकान ही नहीं बना हुआ, और एक बार लोन लिया तो वो लोन ही नहीं दिया सरकार ने, 45,000 वाला तो नोट कर दिया, वापस दिया नहीं, और फिर खाने पीने की व्यवस्था ही कमी है, वो मेरा छोटा बच्चा है वो भी थोड़ा बीमार है, तो आपको दूर लेके जाना पड़ता है। ज्यादातर आप लोग जो महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल है गांव में, वहां पे इलाज हो जाता है, या जैसे प्रसव है या कुछ भी है तो दूर जाना पड़ता है? अच्छा। हाँ, तो एक मिनट बताइए इसमें कि जो हॉस्पिटल की सुविधाएं जो होनी चाहिए गांव में, वो है कि नहीं, कैसी सुविधाएं हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मानकंवर है, कोटा जिला से हूँ, गाँव दिल्लीपुरा है मेरा, सांगो तहसील में। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो पर्ची काटते से कि ऑनलाइन कर देते हैं कि भाई आपकी पर्ची कट चुकी है, और उसमें 10 दवाएं लिखते हैं, बाकी हॉस्पिटल में 2 ही दवाएं मिलती है। वैसे मेरे सामने टीवी के भी कई केस सालों तक उन्होंने इलाज करवाया, फिर भी वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और जैसे ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल रहता है ना, उसमें हम डिलीवरी लेके आते हैं, तो पहले जो सरकारी डॉक्टर होती है उसको 500,000 रुपये देते हैं, तो उस केस को संभाल लेती है, नहीं तो हमारे जैसे ब्लॉक से ज़िले का जो हॉस्पिटल दूर पड़ता है 60-70 किलोमीटर, वहाँ के लिए रेफर कर देती है। अगर कोई महिला ही समझदार जाती है तो वो कह देती है कि भाई हमने परसों से आपको यहाँ पे एडमिट कराया था, तो आप हमारे को इसका टाइम लिख के दो। और कोई महिला ऐसे लेके चली जाती है, बहुत सारी महिलाएं कि बच्चे भी मर जाते हैं। सो वेरी क्विकली नाउ आई एम गोइंग टू आस्क देम ऑल व्हाट्स द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वांट। अब मैं आपसे सबसे पूछूंगी क्या नहीं है वो आपने बताया है, कैसी सरकार चाहिए, हम यहाँ से शुरू करेंगे। आई एम गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ देम व्हाट्स द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट यू वांट। रेखा जी हनुमानगढ़ से, कैसी सरकार चाहिए, एक लाइन में बोलो। मतलब हमको ऐसी सरकार चाहिए कि गरीब महिलाओं की मदद होए, और वो लोग को रोजगार मिलना चाहिए, वो लोग को राशन और वो लोग को पेंशन टेमोटे मिलना चाहिए गरीब महिलाओं को, और वो लोग को मकान मिलना चाहिए गरीब महिला को, तो वो लोग को सब कुछ। हाँ, ऐसी सरकार चाहिए कि हमारी महिलाओं को सुविधा होना चाहिए, गरीब आदमी को सुविधा होना चाहिए, सरकार हो तो ऐसी होनी तो नहीं होनी। आप बताइए क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो? मैं यहाँ चाहता हूँ कि हमारे गरीबों गरीब जोकर सहायता पालन पुलन होना चाहिए। बिल्कुल, poorest of the poor, the government should be there for the poorest of the poor and the most vulnerable. अस्तु भाई क्या चाहते हो आप, एक एक लाइन में बताओ मेरे को, सरकार से क्या चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो? सरकार अनाज एक तो करो, पैसों कम लगाओ, तो राशन है। हाँ, राशन है तो कितना मिलता है अभी, 5 किलो? 5 किलो। हाँ, 5 किलो हैं वो एकाई। हाँ, पूरी फैमिली फैमिली 5 किलो कहीं कुएं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, राइट नाउ व्हाट दे आर गेटिंग इज नॉट इनफ। ये सब सोच के क्या आप वोट दोगे? वोट दोगे पर गरीब महिलाओं की सहायता होगी तभी वोट देंगे, नहीं हम नेता नहीं बनाएंगे। हमारे लिए गरीबों को अच्छी तरह सुनाई करे, और अनाज देवे टेमो टेम, और गरीब लोगों की जमीन जगह कोई रहने की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करावे। ऐसे ऐसे आदमी लुगाई हो चाहे कोई वो उन्हें सुनवाई करनी चाहे, अच्छे अच्छी सरकार आवे, गरीबों गरीब उनकी अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। सो वी रन आउट ऑफ टाइम, बट वुमेन फ्रॉम अक्रॉस राजस्थान, वुमेन हु आर अलोन, हु आर मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल वुमेन, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वांट अ गवर्नमेंट दैट विल लिसन to poor people. A very, very strong message coming across from these women from rural Rajasthan who've gathered here. Well, that's all on She Decides for now, but coming up, all the news after this break.